सारे किसान वीरां नूं मेरे वल्लों सति श्री अकाल। अज दी इस वीडियो विच मैं ब्रोकली दी बिजाई तों कटाई तक सारी जानकारी लै के हाजिर हाँ। पूरी वीडियो जरूर देखना ते चैनल नूं सबसक्राइब करना ना भुलना। ब्रोकली दे उचित अते चंगे वाधे लई नमी वाली मिट्टी दी लोड़ हुंदी है। ब्रोकली दी खेती लई वधिया खाद वाली मिट्टी वधिया हुंदी है। मिट्टी दी पीएच 5 तों 6.5 तक होनी चाहीदी है। ब्रोकली दीआं प्रमुख तौर ते दो किस्मां पाईआं जांदीआं हन, पालम समृद्धि अते पंजाब ब्रोकली। एक पालम समृद्धि किस्म 2015 विच जारी कीती गई सी। इस किस्म दे पौधे अध फैलण वाले हुंदे हन, जिन्हां ते कोमल वड्डे अते हरे रंग दे पत्ते हुंदे हन। इस दा फल गोल संघना अते हरे रंग दा हुंदा है। इस दे फल दा औसतन भार 300 ग्राम हुंदा है। एक किस्म पनीरी लाउण तों 70 तों 75 दिनां बाद पक जांदी है अते इस दी औसतन पैदावार 72 क्विंटल प्रति एकड़ हुंदी है। दूजी किस्म पंजाब ब्रोकली एक, यह किस्म 1996 विच जारी कीती गई सी। इस दे पत्ते कोमल मुड़े हुए अते गूढ़े हरे रंग दे हुंदे हन। इस दा फल संघना अते आकर्षक हुंदा है। यह किस्म लगभग 65 दिनां विच पकदी है। इस दी औसतन पैदावार 70 क्विंटल प्रति एकड़ हुंदी है। यह किस्म सलाद अते खाना बनाउण लई अनुकूल है। जे गल बिजाई दी करिए तां अध अगस्त तों अध सितंबर दा समां इस लई अनुकूल है। कतार तों कतार अते पौधे तों पौधे दा फासला 45x45 सेंटीमीटर होना चाहीदा है। बीज नूं 1 तों 1.5 सेंटीमीटर डूंघाई ते बीजो। 1 एकड़ विच 250 ग्राम बीज दी वरतों करो। मिट्टी विचों पैदा होण वाली बीमारियां तों बचा लई बिजाई तों पहलां बीज नूं गर्म पानी विच 30 मिनट तक रखो अते पानी दा तापमान तकरीबन 58 डिग्री सैलसीयस तक होना चाहीदा है। जे गल खाद दी करिए तां ब्रोकली नूं 110 किलो यूरिया, 155 किलो सिंगल सुपरफॉसफेट अते 40 किलो म्यूरेट ऑफ पोटाश प्रति एकड़ पाओ। बिजाई तों पहलां खेत विच 40 टन रूड़ी दी खाद पाओ। रोपण तों पहलां सारी रूड़ी दी खाद, फॉसफोरस, पोटाश अते अद्धी यूरिया दी मात्रा पाओ। बाकी बची यूरिया दी मात्रा रोपण तों 1 महीने बाद पाओ। नदीना दी रोकथाम लई पनीरी खेत विच लगाउण तों पहलां फ्लू क्लोरालिन दी 1 तों 2 लीटर मात्रा 700 तों 800 लीटर पानी विच मिला के 1 एकड़ विच स्प्रे करो। तुसी पेंडीमैथलिन दी 1 लीटर मात्रा दी स्प्रे 1 एकड़ विच बिजाई तों 1 दिन पहलां कर सकदे हो। जे गल सिंचाई दी करिए तां रोपण तों तुरंत बाद पहली सिंचाई करो। मिट्टी, जलवायु जां मौसम दी स्थिति अनुसार गर्मियां विच 7 तों 8 दिनां बाद अते सर्दियां विच 10 तों 15 दिनां दे फासले ते सिंचाई करो। हुण गल ब्रोकली विच पाए जांदे कीड़े मकौड़ियां दी। पहला कीड़ा थ्रिप्स, ये छोटे कीड़े हुंदे हन जो पीले तो हल्के भूरे रंग दे हुंदे हन। इन्हां ते हमले नाल पत्ते नष्ट अते सिल्वर रंग दे हो जांदे हन। जेकर चेपे अते तेले दा नुकसान वध होवे तां तुसीं इमीडेक्लोप्रिड 17.8 SL दी 60 ml मात्रा 150 लीटर पानी विच घोल के 1 एकड़ विच स्प्रे कर सकदे हो। अगला कीड़ा नेमाटोड, इस दे हमले नाल पौधे दी ग्रोथ रुक जांदी है अते पौधा पीला शुरू होना हो जांदा है। इस दा हमला दिखण ते तुसीं 5 किलो फोरेट जां 10 किलो कार्बोफ्यूरेन प्रति एकड़ दे हिसाब नाल वरत सकदे हो। अगला कीड़ा डायमंड बैक माउथ, इस दा लार्वा पत्तियां दी उपरली अते हेठली सतह नूं नष्ट करदा है अते सिट्टे वजों इह पूरे पौधे नूं नुकसान पहुँचाउंदा है। जेकर इस दा हमला वध जावे तां तुसीं स्पाइनोसैड 25% SC दी 80 ml मात्रा नूं 150 लीटर पानी विच घोल के 1 एकड़ विच स्प्रे कर सकदे हो। हुण गल फसल विच पाईआं जांदीआं बीमारियां दी। पहली बीमारी वाइट मोल्ड यानी चिट्टी फंगस, इस दे हमले नाल पत्तियां अते तने उत्ते अनियमित अते स्लेटी रंग दे धब्बे देखे जा सकदे हन। जेकर खेत विच इह बीमारी दिखे तां तुसीं मैटालैक्सल अते मैंकोजैब दे घोल दी 2 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी दे हिसाब नाल 1 एकड़ विच स्प्रे कर सकदे हो। 10-10 दिनां दे फासले ते कुल 3 स्प्रेहां करो। अगली बीमारी डैम्पिंग ऑफ यानी उखेड़ा रोग, इस दे हमले नाल नवें पौधे पुंगरन तों तुरंत बाद नष्ट हो जांदे हन अते तने ते भूरे लाल जां काले रंग दा गलन दिखाई दिंदा है। इस नूं काबू करन लई तुसीं पौधियां दीआं जड़ां विच रिडोमिड गोल्ड दी 2.5 ग्राम मात्रा 1 लीटर पानी विच घोल के पाओ अते लोड़ अनुसार सिंचाई करो। खेत विच पानी नूं ज़्यादा देर खड़न ना दिओ। अगली बीमारी डाउनी माइलड्यू यानी पत्तियां दे धब्बे,
इस बीमारी के हमले नाल पत्तियां दी हेठली सतह ते संतरी जां पीले रंग दे धब्बे दिखाई देंदे हन। जेकर यह बीमारी वध जावे तां तुसीं मेटालैक्सल 8% अते मैंकोजैब 64% WP दे 250 ग्राम घोल नूं 150 लीटर पानी विच घोल के एक एकड़ विच स्प्रे कर सकते हो। अगली बीमारी रिंग स्पॉट्स यानी पत्तियां ते गोल धब्बे। इस बीमारी नाल पत्तियां ते छोटे अते जामनी रंग दे धब्बे बन जाते हैं जो बाद विच भूरे रंग दे हो जाते हैं। इस बीमारी नूं भी काबू करन लई तुसीं मेटालैक्सल 8% अते मैंकोजैब 64% WP दे 250 ग्राम घोल नूं 150 लीटर पानी विच घोल के एक एकड़ विच स्प्रे करो। मैनू उम्मीद है कि वीडियो विच दित्ती जानकारी तुहाडे लई लाभदायक होवेगी। वीडियो चंगी लगे तो वीडियो लाइक अते शेयर करो ते चैनल नूं जरूर सबसक्राइब करो। नाल दित्ते बैल वाले बटन नूं भी नप्पो तां जो साडी अगली आउण वाली वीडियो दे नोटिफिकेशन सब तो पहलां तुहाडे कोल पहुँचे। मैं तुहाडे लई खेतीबाड़ी दीआं होर वीडियो लै के हाजिर हुंदा रहांगा। धन्नवाद। आखिर विच किसान मजदूर एकता जिंदाबाद।